सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए काफी सी जॉब वैकेंसी की अपडेट यहां पे लेकर के आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, DRDO की तरफ से न्यू जॉब वैकेंसी के लिए अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। एंड यहां पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप फॉर्म को फिलअप कर पाओगे एंड किस तरह से आप यहां पे एलिजिबल हैं, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें आवेदन करने के लिए पात्र रहेंगे, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा, कैसे आपको फॉर्म को भरना है, क्या करना होगा, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे आपको बता दूंगा। A to Z, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड यहाँ पे देख सकते हो DRDO रिक्रूटमेंट फ्रेशर डिप्लोमा एंड ITI कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, ठीक है। तो अगर आप भी इनके अगर आपके क्वालिफिकेशन ITI है या फिर डिप्लोमा कर रखा है, इंजीनियर कोर्स कर रखा है या फिर आप फ्रेशर है, 10th 12th ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी आपके लिए जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। देख सकते हो यहाँ पे रिक्रूटमेंट 2022 इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसमें फ्रेशर ITI डिप्लोमा कैंडिडेट लिए जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपको किस तरह से फॉर्म को भरना होगा पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे आप सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी यहाँ पे देख सकते हो 25,700 रुपए पर मंथ यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड आपको कराई जा रही है। दोनों एग्जाम नो फीस एंड नो इंटरव्यू रहने वाला है। कैसे आपका जो है सिलेक्शन होगा पूरी जानकारी दूंगा। इससे पहले आप लास्ट डेट से पहले पहले अगर आप फॉर्म भर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। तो चलिए मैं आपको पूरे इसका डिटेल से आपको मैं बता देता हूँ। पा रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन नेम की अगर बात करें हम तो यहाँ पे देख सकते हो डिफेंस सर्विस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम DRDO के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट की अगर बात करें हम तो यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखी है। ऑडिशन की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रेजुएट टेक्नीशियन एंड ट्रेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे जो पोस्ट है वो यहाँ पे निकल कर आ चुकी है। जॉब लोकेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि उड़ीसा के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 रुपए पर मंथ है एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे 8,000 रुपए पर मंथ है एंड ट्रेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे 7,000 पर मंथ रखा गया है, ठीक है। और अगर आपने टेलीग्राम को जाकर के अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जरूर से कर लेना। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे जो कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे BE हो, BTech हो, कंप्यूटर साइंस हो, ठीक है, ये आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी अनिवार्य है, ठीक है। देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस हो, ठीक है, चाहे आपके पास सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर टेली कम्युनिकेशन हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियर हो। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे देख सकते हो ITI इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मशीनिस्ट है, ठीक है, कारपेंटर है, बहुत सारी ट्रेड यहाँ पे दे रखी हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल वैकेंसीज की तो यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे जो कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9 पोस्ट है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 42 पोस्ट है और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 22 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की तो यहाँ पे 1 ईयर की आपकी ड्यूरेशन है और आपकी 1 ईयर के ट्रेनिंग आपकी रहने वाली है। एंड यहाँ पे बात करेंगे हम सिलेक्शन प्रोसेस की तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस बेस पर रहने वाला है तो यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा रखा है और आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे जो है PXE का चयन बोर्ड आवेदनों के माध्यम से किया जाएगा और उम्मीदवारों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट भी किया जाएगा। आवश्यक योग्यता में प्राप्त अंकों का प्रतिशत आपका देखा जाएगा और शॉर्ट लिस्ट में किए गए उम्मीदवारों को साक्षरता के लिए बुलाया जाएगा जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, ठीक है। साक्षात्कार के बाद केवल चयनित उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से नियुक्ति पत्र की पेशकश की जाएगी, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स की तो यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे जो कि यहाँ पे ओपनिंग डेट्स जो है वो 28 जुलाई 2022 को ही है, क्लोजिंग डेट 2 सितंबर 2022 रखा गया कर देना है। गाइस जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा जो कि यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको देखने को भी मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा जो भी मैंने डिटेल्स बताई थी वो यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। आपको जो पोस्ट कैटेगरीज दे रखी हैं जो कि मैंने बताया था ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए है, ठीक है, BE BTech है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए डिप्लोमा है, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए ITI है, ठीक है, और कितनी पोस्ट निकल कर आ रही है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। स्टाइपेंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। किस तरह से आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा, किस तरह से आपको क्या करना देगी यहाँ पे PDF में फॉर्मेट में करना होगा, कन्वर्ट आपको कन्वर्ट करने के बाद ये मेल आईडी दे रखी है इस पर आपको भेजना होगा। लास्ट डेट देख सकते हो यहाँ पे 2 सितंबर तक है,
ठीक है, और कौन सा फॉर्म को भेजना है ये जान लीजिए। देखिए फॉर्म आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये फॉर्म आपको दिख जाएगा, इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आपको यहाँ पे अपना फोटो को अटैच करने के बाद यहाँ पे अपने हाथों से अपना लिखना होगा, ठीक है, अपना नेम, ठीक है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो दे सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे सारी चीजें आपको देनी होगी, ठीक है, ऐसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, फादर नेम, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कैटेगरीज, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर और अपना एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10th की 12th की, डिप्लोमा, डिग्री, बीई, बीटेक, जो भी हो, सारी चीजें यहाँ पे फिल करने के बाद आपको एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है, आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आपको इस वाली ईमेल आईडी पर भेजना होगा, ठीक है।